जी सर, आप जल बोर्ड को लेके और एमसीडी को लेके आज प्रदर्शन कर रहे हैं सदर बाजार के अंदर, क्यों? जो आज जो हमारा प्रदर्शन है वो सदर बाजार के व्यापारियों का प्रदर्शन है कि सदर बाजार का व्यापारी अब थक चुका है, क्योंकि यहाँ पर ना तो विकास नाम की कोई चीज है, ना ही किसी प्रकार का यहाँ पर कोई कार्य हो रहा है। सदर बाजार की रोडे, सदर बाजार की जो रोडे है टूटी पड़ी है, सीवर लाइन जो पानी बहता जा रहा है, जो बिजली की तारें हैं वो जंजाल बना हुआ है, रोड जाम का तो बुरा ही हाल है। मगर कोई भी, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे एमसीडी हो, कोई भी सदर बाजार के हल करने को तैयार नहीं है। मैं तो कहना चाहूंगा कि एक बाप के दो बेटे, और एक को तो सब कुछ मिल रहा है, दूसरे को कुछ नहीं मिल रहा। चांदनी चौक जाके देखिए कितना सुंदर बनाया जा रहा है, और सदर बाजार का हाल देखिए, सदर बाजार को एक तरह से अनाथ करके छोड़ दिया है। सदर बाजार इस टाइम ये हालत है कि व्यापारी को अपना काम करना भी मुश्किल हो रहा है, और व्यापारी वैसे ही मंदा से त्रस्त हो रहा है। ऊपर से इस प्रकार की समस्याओं से बिल्कुल हमारा व्यापार ठप होता जा रहा है, जबकि सदर बाजार से करोड़ों का सरकार को टैक्स जाता है, मगर कोई भी कार्य करने के नाम पर सदर बाजार को अनदेखा कर दिया जाता है। इससे हमारा आज जो विरोध है वो सड़कों पे उतरा है। हम लोगों ने अपनी दुकानें बंद करके यहाँ पर सड़कों पे उतर रहे हैं, क्योंकि हमारा अब यहाँ पर काम करने का सहन नहीं हो रहा। हमें ये लग रहा है हम जाए तो जाए का, एक तरफ तो काम नहीं है और दूसरी तरफ तो गंदे पानी में रहे, बीमारियों में रहे। सरकार लाखों रुपए डेंगू किट जो विज्ञापन पे खर्च कर देती है कि 10 मिलियन अपने घर पे सफाई पे लगाओ, आप देखिए कितना पानी रोडों पे बह रहा है, वहां पर मच्छर बीन रहे हैं। क्या वो बीमारी का घर नहीं है? जब आपके घर में पानी होता है तो चलान कर दिया जाता है किसी प्रकार का बह रहा हो। मगर और दूसरी ओर आप देखिए कि यहाँ पर जो रोडों पे पानी बह रहा है, क्या वो दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को चलान क्यों नहीं किया जाता? एमसीडी के अधिकारियों का चलान क्यों नहीं किया जाता? उन पे कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? हमेशा हर कार्रवाई व्यापारी पे ही क्यों होती है? हमें भैया माफ करो, हमें भैया माफ करो, हमसे गलती होगी, सदर में दुकान ले ली हमने, हमारे बाप दादा ने गलती कर दी, सदर में दुकान ले ली। सदर में अब होगा गदर, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, हम सब, हम सब, जल बोर्ड, जल बोर्ड, जल बोर्ड, एमसीडी, 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 हम सब, हम सब, हम सब, हम सब। आज जो है हमने ये बंद जो रखा है वो इस वजह से रखा है कि ये जो हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, आज आप सीपी में चले जाओ, साउथ दिल्ली में चले जाओ, वहाँ पर भी 18% जीएसटी है, और यहाँ सदर बाजार में भी जीएसटी 18% है, लेकिन फैसिलिटी के नाम पे हमें क्या दिया जा रहा है? कुछ नहीं। आज आप देखो इतना बड़ा बाजार है, पार्किंग के अंदर खुले में लोग शौच कर रहे हैं, पार्किंग की सारी गंदगी हमारे गाड़ियों के साथ लग के शाम को घर पे जाती है, और यहाँ लेडीज टॉयलेट कोई नहीं है, सड़कें सारी टूटी फूटी पड़ी हैं। आप जाओ सीपी में जाओ, क्यों वहाँ सुधार हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पर टूरिस्ट आता है, और यहाँ पर टूरिस्ट नहीं आता, हमारा कसूर ये है, हमारे दादा पर दादा ने गलती कर दी जो सदर बाजार में दुकानें ले ली है। हम इतना पछता रहे हैं यहाँ पर, हम तो चाहते हैं कि दुकानें छोड़ के कहीं और चले जाएं। हम जो लाइट लगी है रेड लाइट, हम लोगों ने कितना प्रोटेस्ट किया तब जाके ये लाइट लगी है, यहाँ से नहीं लगी लाइट ये। आज हमारी डिमांड है कि हमें कुतुब रोड चौक पे भी लाइट चाहिए जैसी सदर थाने पे लगी है, क्योंकि यहाँ पर लाइट लगने का मतलब है कि ट्रैफिक जाम नहीं हुआ, और जाम नहीं होगा तो जेबें नहीं कटेगी, माल नहीं उठेगा। तो कहने का मतलब है कि जाम लगने का ये होता है कि यहाँ पर जाम लगते ही जेबें कटनी शुरू हो जाती है।